ये प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग मेनली जो दो साम्स करने वाले हैं तो वो साम्स है मार्केट प्राइस के ऊपर। तो अब तक के हम लोगों ने जो जो साम्स किए वो है हम लोगों का सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट हुआ। तो अब जो साम्स हम लोग करने जा रहे हैं तो वो है, एक है मार्क प्राइस और इसको हमको मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। ये हम लोगों को देता है एमपी। तो मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस है कि हम लोगों का जो सेल्स प्राइस है, मतलब एसपी, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है, एसपी सेलिंग प्राइस, उसके साथ जो डिस्काउंट देते हैं ना हम लोगों के दुकान में, जो डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग प्राइस के साथ डिस्काउंट ऐड करके जो होता है वो होता है हम लोगों का मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो जो सेल प्राइस, मतलब जिससे हम लोग सेल कर सकते थे, उसके ऊपर डिस्काउंट ऐड करके जो होता है वो मार्क्ड प्राइस होता है, जो वहाँ पे लिखा रहता है। कोई भी आर्टिकल्स हम लोग जब खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो ये जो डिस्काउंट हम लोग देते हैं, हम लोगों को मिलता है दुकान से, तो वो इस मार्क प्राइस के ऊपर बेस होता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस है कि जो थोड़ा ज्यादा चार्ज दुकानदार कुछ आर्टिकल्स में लगा के रखते हैं, जिसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि डिस्काउंट उन लोगों का लॉस होता है, लॉस नहीं, वो मार्क प्राइस वहां पे एक लिखा रहता है, वहां पे उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं। तो मार्क प्राइस वो दुकानदार अपने हिसाब से, एक लिमिट होता है कितना कर सकता है, उस हिसाब से वहां पे लगा के रखते हैं, क्योंकि उसका एक्सपेंसेस है, कॉस्टिंग है, उसके बेसिस पे वो मार्क प्राइस वहां पे डालता है, ठीक है। अब ये जो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर होता है? मार्क प्राइस के ऊपर हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। तो डिस्काउंट अगर हम लोग दे कि डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा आता है किसके ऊपर? मार्क प्राइस के ऊपर, मतलब डिस्काउंट मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट जो भी देता है वो किसके ऊपर आता है? मार्क प्राइस के ऊपर आता है। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डिस्काउंट इक्वल्स टू कितना होता है? डिस्काउंट होता है डिस्काउंट परसेंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का डिस्काउंट परसेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बुक सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% आफ्टर अलाइंग टू 20% कमीशन। कमीशन मतलब वो भी, उसको कमीशन ज़्यादा मिलता है, तो वो ज़्यादा मिलता है वो भी हम लोगों के यहाँ पे मार्क प्राइस के, मतलब कमीशन हो, डिस्काउंट हो, जो भी, एक सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर आता है, बाकी कमीशन डिस्काउंट सब मार्क प्राइस के ऊपर आता है। 20% कमीशन, ये देखो, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक, ठीक है, मतलब मार्क प्राइस के ऊपर 20% कमीशन लगा के वो अगर उसको सेल करेगा तो फिर कितना प्रॉफिट होगा? 25%, मतलब थोड़ा दाम बढ़ा के क्या होगा? मार्क प्राइस होगा, मतलब सेल प्राइस के साथ कमीशन मिलके वो मार्क प्राइस होगा, तो उस हिसाब से अगर वो सेल करता है मार्क प्राइस के ऊपर तो फिर वो कितना प्रॉफिट होता है? 25%, ठीक है। सेलिंग दिस बुक ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12। सेलिंग दिस बुक मतलब उसका जो, ये तो कमीशन लगा के वो प्रॉफिट होता है 25%, ठीक है। और अगर नॉर्मली वो सेलिंग दिस बुक ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12, ठीक है, तो अगर वो सेल करता है तो प्रॉफिट कितना होता है? 12। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द बुक? अब देखो कितना होता है, तो यहाँ पे लेते हैं लेट मार्क प्राइस बी एक्स, कमीशन कितना होता है? कमीशन परसेंट इक्वल्स टू 20%। तो ये किस पे आता है? ये मार्क प्राइस के ऊपर आता है कमीशन, ठीक है। तो ये तो कमीशन परसेंट हुआ, तो कमीशन कितना होगा? कमीशन होगा
20 बाई, सॉरी डिस्काउंट परसेंट ये, तो यहाँ पे 100 नीचे आएगा, 100 इधर होगा एमपी, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एमपी उधर जाएगा 100 नीचे आएगा, यहाँ पे गलत हो गया था, तो 20/100x ये होगा हम लोग का कमीशन। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे 5, मतलब x/5 है इसका कमीशन, तो ये मार्क प्राइस है, ये कमीशन है। तो फिर सेल प्राइस कितना होगा, सेल प्राइस है मार्क प्राइस माइनस, क्योंकि कमीशन मार्क प्राइस के ऊपर डाल के तो सेल कर रहा है ना, तो सेल प्राइस कितना है, कमीशन को छोड़ के जितना होगा वही सेल प्राइस है। तो मार्क प्राइस है एक्स, कमीशन है x/5, तो सेल प्राइस कितना होगा 4x/5, ये सेल प्राइस आ गया। अब क्या दिया है, द बुक सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब इस तरीके से कमीशन मिला के उसको सेल करने से प्रॉफिट हुआ 25%, ठीक है। तो ये तो सेल प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा हम लोगों का एज यूजुअल फॉर्मूला 100 प्लस 25, मतलब प्रॉफिट परसेंट इनटू सेल प्राइस, सेल प्राइस कितना है x/5, तो यहाँ पे लिखो 100 इनटू x/5, ठीक है। अब इसको 5 से काटो, पाँच तो कितना हुआ 4x/25, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस है 4x/25, सेल प्राइस है 4x/5, ठीक है। तो हम लोगों के हिसाब से क्या है कि सेलिंग दिस बुक्स ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12, मतलब ये तो प्रॉफिट परसेंटेज है और ये है प्रॉफिट, मतलब ये सेल प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कैसे होगा, हम लोग क्या जानते हैं कि प्रॉफिट इज 12, प्रॉफिट कितना दिया है 12, तो प्रॉफिट कितना है, कैसे है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 12, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो सेल प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, अगर यहाँ पे लॉस होता तो फिर क्या होता, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो सेल प्राइस कितना है 4x/5, कॉस्ट प्राइस कितना है 4x/25 इक्वल्स टू 12, देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे 25/5 20x-4x = 12 और 16x = यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में सेल प्राइस कितना है 4x/5, तो यहाँ पे तो 4x होगा, तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा हम लोगों का 16x, मतलब कॉस्ट प्राइस है 16x/5 25, ठीक है। सेल ये हम मैंने यहाँ पे ये कमीशन वाला पार्ट लिख दिए थे x/5, तो ये क्या होगा, सेल प्राइस मतलब 4x/5 होगा, तो 4x/5 4x × 4 कितना होगा 16x/25, तो सेल प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 16x/5 16x/25, तो यहाँ पे कितना आएगा, इस यहाँ पे आके अटक गए थे इसलिए गलती समझ में आ गया, तो कितना होगा 20x-16x कितना आता है 4x = 12 × 25, 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, तो x = कितना होगा
फोर से अगर 12 काट दे, 3 3 25 75। तो एक्स क्या लिए थे यहाँ पे देखो, मार्क प्राइस है एक्स, तो दे आर फोर मार्क प्राइस इज 75। तो पहले एक बार फिर से मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ कि मार्क प्राइस एक्स लिए है, कमीशन आता है मार्क्स प्राइस के ऊपर, कमीशन परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों का 20%। तो कमीशन कितना होगा इस तरीके से, कमीशन इक्वल्स टू कमीशन परसेंट बाई 100 इंटू एमपी, मतलब मार्क प्राइस वहाँ से आता है, ये हम लोगों का कमीशन आता है। फिर सेल प्राइस, मार्क प्राइस माइनस कमीशन, मार्क प्राइस कितना है एक्स, कमीशन एक्स बाई 5, तो सेल्स प्राइस होगा 4x/5। प्रॉफिट है हम लोगों का 25%। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे सेल प्राइस कितना है 4x/4, 25 है प्रॉफिट, तो वहाँ से आ जाता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 16x/25। अब यहाँ पे ये जो 25% है ये तो है हम लोगों का प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सेलिंग दिस बुक्स ही मेक्स ए प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज है, यहाँ पे प्रॉफिट है, दोनों अलग है। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब वो 100 के ऊपर आता है, और प्रॉफिट मतलब सिर्फ ओनली सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 12। तो सेल प्राइस कितना है 4x/5, कॉस्ट प्राइस कितना है 16x-25, उसको कैलकुलेट करके एक्स आता है 75। तो मार्क प्राइस कितना हुआ 75, ठीक है। अब नेक्स्ट सम देखते हैं, ये भी मार्क प्राइस के ऊपर ही है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बुक सेलर अलाउइंग 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ ही सेल्स द बुक एट मार्क प्राइस, मतलब वो 12% डिस्काउंट देके अगर वो सेल्स करता है तो 10% उसका प्रॉफिट आता है, ठीक है। पर अगर वो सेल्स करता है, इफ ही सेल्स द बुक एट द मार्क प्राइस, मतलब जो मार्क प्राइस है उसी हिसाब से, अगर वो मार्क प्राइस ही अगर सेल प्राइस होता है, तब जाके क्या होगा कि ये कितना उसको प्रॉफिट होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है ऑन द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस तो पता नहीं है, तो लेते हैं लेट मार्क प्राइस इक्वल्स टू एक्स, डिस्काउंट कितना है 12%, तो फिर डिस्काउंट परसेंट है 12%, डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट होगा 12/100 इंटू एक्स, मतलब डिस्काउंट हम लोगों ने क्या देखे थे 12 है डिस्काउंट परसेंट बाई 100, मतलब 100 आता है, एक्स है मार्क प्राइस, डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर आता है, ठीक है, ये डिस्काउंट हुआ। तो फिर सेल प्राइस इक्वल्स टू कितना है, सेल प्राइस है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस कितना है एक्स, डिस्काउंट है 12x/100, तो फिर सेल प्राइस है 88x/100, हो गया सेल प्राइस। अब क्या लिखा है, प्राइस ऑफ ए बुक मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 10%। तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा हम लोग क्या जानते हैं 100 प्लस प्रॉफिट इनटू सेल प्राइस, सेल प्राइस कितना है 88x/100 इक्वल्स टू 110 इंटू 88x/100, 100 काटो, यहाँ पे हम लोग 11 से भी काट सकते हैं, काट दो 11 10 8x/10, ये होगा हम लोगों का कॉस्ट प्राइस, ओके। अब क्या दिया है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ ही सेल्स द बुक एट मार्क, मतलब
सेकेंड पार्ट में क्या आता है, यहाँ पे भी दो पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि इफ ही सेल्स द बुक एट मार्क प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस है, ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया 8x/10, तो फिर सेल प्राइस होगा इफ ही सेल्स द बुक एट मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है, एक्स, ठीक है। आप क्या चाहिए, तब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट मतलब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितना है एक्स, कॉस्ट प्राइस है 8x/10, तो फिर कितना आता है 2x/10 और x/5, ये हुआ हम लोगों का प्रॉफिट। आप क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या आएगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, प्रॉफिट कितना है x/5, कॉस्ट प्राइस कितना है 8x/10, तो फ्रैक्शन नीचे आएगा मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, तो 8x/10 प्रॉफिट इंटू 100। एक्स एक्स काटो 25 = 25, तो फिर यहाँ पे क्या चाहिए, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 25%। ओके, तो ये हुआ आंसर। तो हमेशा याद रखना कि डिस्काउंट हो कमीशन वो क्या आता है, मार्क प्राइस के ऊपर आता है, तो मार्क प्राइस में दिया रहेगा तो वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट दिया रहता है तो वहां से हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सेल प्राइस निकालेंगे, तो सेल प्राइस आ जाएगा, तो हम लोगों को मालूम है कि सेल प्राइस कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो उससे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड प्राइस में तो ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये सेल प्राइस है, तो उस पर क्या आता है, तो वो करके बाकी तो नॉर्मल है। तो जो अननोन है वो, अगर यहाँ पे मार्क प्राइस का कुछ वैल्यू दिया रहता है तो हम वो वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या किए, वो एक्स लेके ये हम लोग सम्स बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्काउंट एंड कमीशन जो भी रहेगा वो हम लोग मार्क प्राइस के ऊपर करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखो क्या है कि द रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ टू साड़ीज इज 2:5, ठीक है, मतलब दो साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का रेशियो है 2:5। इफ द फर्स्ट साड़ी इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, मतलब फर्स्ट वाला साड़ी 15% प्रॉफिट में एंड द सेकेंड साड़ी इज सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, देन द मैन्युफैक्चरर मेक्स ए टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ 396, मतलब फर्स्ट साड़ी 15% प्रॉफिट में सेल किया, सेकंड साड़ी 18% प्रॉफिट में, तो उसका टोटल प्रॉफिट हुआ 396, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ ईच साड़ी, मतलब दो साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। तो जैसे कि कॉस्ट रेशियो में दिया हुआ है तो हम लोग क्या लेते हैं, ले सकते हैं, देखो लेट द कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी ऑफ टू साड़ीज बी क्या होगा, 2:5 है तो हम लोग ये इसको क्या ले सकते हैं, एक है 2x एंड 5x, तो दोनों साड़ी का कॉस्ट हम लोग ले लिए 2x एंड 5x, ठीक है। फर्स्ट साड़ी सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, तो फिर लिखो फर्स्ट साड़ी सोल्ड एट
15% प्रॉफिट, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट साड़ी के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट साड़ी का 2x एंड प्रॉफिट परसेंट है फर्स्ट साड़ी का सपोज 15%, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस होगा तुम्हारा, तो 15% प्रॉफिट है सेल प्राइस, हम लोगों को क्या पता है 100% प्रॉफिट ये, और प्लस 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, ये है हम लोगों का सेल प्राइस। तो सेल प्राइस यहाँ पे क्या होगा, देखो सेल प्राइस होगा 100 प्लस 15% मतलब 15, तो 115/100 इंटू कॉस्ट प्राइस मतलब 2x, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 से कट सकते हैं, 25 2 10 मतलब 23x/10, ये है सेल प्राइस ऑफ फर्स्ट साड़ी। आप देखो सेकेंड साड़ी का प्रॉफिट क्या है, 18%, तो सेकेंड साड़ी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, ओके 18% प्रॉफिट। तो 18% प्रॉफिट, तो सेकेंड साड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो फर्स्ट साड़ी का कॉस्ट प्राइस है हम लोगों को पता है, फर्स्ट साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना था 2x, सेकेंड साड़ी का 5x, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 18% प्रॉफिट। तो फिर सेल प्राइस ऑफ सेकेंड साड़ी कितना होगा, फॉर्मूला तो यही है, मतलब 100 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 118 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 5x, ठीक है। अब इसको काटो, तो कितना आता है 59x/10, ये सेकेंड साड़ी का कॉस्ट प्राइस आया, ठीक है। अब देखो ये मेक से तो हुआ, तो देन द मैन्युफैक्चरर मेक से टोटल प्रॉफिट ऑफ 396, तो इसका टोटल प्रॉफिट हुआ कितना 396। तो टोटल प्रॉफिट मतलब, तो फर्स्ट में ये सेल प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट साड़ी देखती हूँ क्या होता है, तो प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट साड़ी क्या होगा, प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट साड़ी, फर्स्ट साड़ी का सेल प्राइस कितना है ये 23x/100 तो फर्स्ट साड़ी का सेल प्राइस है 23x/10, कॉस्ट प्राइस है 2x, तो ये कितना होगा 23x/20x/10 इक्वल्स टू 3x/10, ये प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट साड़ी। अब प्रॉफिट फ्रॉम सेकेंड साड़ी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेकेंड साड़ी का सेल प्राइस कितना है 59x/10, कॉस्ट प्राइस कितना है 5x, तो फिर कितना आएगा 59x/50x/10 इक्वल्स टू 9x/10। तो ये है दोनों साड़ी सेल करने के बाद प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट यहाँ पे गिवन क्या था, टोटल प्रॉफिट था देखो दिया है 396, तो फिर
टोटल प्रॉफिट गिवन, टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीस 396। तो टोटल प्रॉफिट क्या आएगा, ये थ्री एक्स बाई टेन प्लस 9x/10 इक्वल्स टू 396। तो ये कितना आएगा, 9/12x इक्वल्स टू 396 इंटू 10 और x इक्वल्स टू, इसको अगर काटोगे 33, तो x इक्वल्स टू होगा 330। ठीक है, तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इस साड़ी, तो साड़ी का कॉस्ट क्या है 2x and 5x, सो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट साड़ी इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 330 इक्वल्स टू रुपीज 660 एंड कॉस्ट ऑफ सेकेंड साड़ी इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 330 इक्वल्स टू रुपीस 1650। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो दो पार्ट में अगर रेशियो रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे 2x 3x लेंगे कॉस्ट प्राइस, फिर दोनों का अलग से सेल प्राइस वगैरह निकालेंगे जैसे हम लोग जानते हैं यूजिंग फॉर्मूला, फिर ये टोटल हम निकालेंगे। ठीक है।